नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ की जो पेंशनर्स हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, ईपीएफओ की तरफ से जिनको ईपीएस पेंशन मिलती है उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। 65 लाख पेंशनर को हायर पेंशन से संबंधित जो है बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में, इस खबर, इस न्यूज के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी ईपीएफओ के पेंशनर्स हैं, आपको भी ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से पेंशन मिलती है, ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, और अगर आप ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहां पर हम जो है बिल्कुल सही और करेक्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट जो है ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित सारी जानकारी, सारे अपडेट वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, न्यूज निकल के आ रही है, असमंजस, 6 करोड़ अंशदाताओं व 65 लाख पेंशनरों को हायर पेंशन मिलने के आसार कम। ईपीएफओ मुख्यालय ने सभी जोनल और रीजनल दफ्तरों को जारी किए जांच के निर्देश। और ये जो न्यूज लगाई गई है, दैनिक भास्कर जो न्यूज पेपर है उसकी वेबसाइट पे ये न्यूज लगाई गई है, यहां पर अपडेट लगाया गया है एक दिन पहले का, यानी कि 2 अक्टूबर 2020 की जो है ये न्यूज है, 2 अक्टूबर 2020 को ये जो है अपडेट लगाई गई है। यहां पर आप दैनिक भास्कर जो न्यूज पेपर उसकी वेबसाइट पर इस खबर को, इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दैनिक भास्कर जो न्यूज पेपर है उसमें भी ये खबर आई थी, यहां पर देख सकते हो, भोपाल दैनिक भास्कर, और ये जो खबर आई थी दैनिक भास्कर न्यूज पेपर में 2 अक्टूबर 2020 को, और यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर 6 करोड़ अंशदाता हुए 65 लाख पेंशनरों को हायर पेंशन मिलने के आसार कम। तो चलिए पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में, इस न्यूज के बारे में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बाकी इस न्यूज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो दोबारा से इस खबर को, इस न्यूज को आप जो है पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं इस खबर में, इस न्यूज में क्या लिखा गया है। निजी कंपनियों, कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों के 6 करोड़ अंशदाताओं एवं 65 लाख पेंशनरों को अब हायर पेंशन मिलने के आसार बहुत कम है। इसकी दो खास वजह है कि पहली यह कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ मुख्यालय नई दिल्ली ने हाल ही में जोनल व रीजनल दफ्तरों को निर्देश जारी किए हैं। 4 पेजों एवं 4 बिंदुओं के इस निर्देश में कहा गया है कि हायर पेंशन के प्रकरण को बारीकी से जांचा जाए। दूसरा यह कि ऐसे मामले में आरसी गुप्ता के प्रकरण को आधार माना जाए। केंद्र सरकार विरुद्ध आरसी गुप्ता मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने के आदेश दिए थे। इसके बाद 23 मार्च 2017 को हायर पेंशन देने के आदेश जारी किए गए थे। गुप्ता ने अपने सेवाकाल के दौरान ईपीएफ अधिनियम की धारा के 11(3) के तहत यह विकल्प दे दिया था कि मैं हायर वेजेस कटवाकर हायर पेंशन लेने के लिए तैयार हूं। समझे हायर पेंशन का फॉर्मूला और गणित। विशेषज्ञों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन में 16 नवम्बर 1995 से या उसके बाद से पेंशन योग्य सर्विस का गुना करेंगे, इसके टोटल में 70 का भाग देंगे तो पेंशन निकलेगी। क्योंकि अभी पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रुपए प्रति माह है, इसलिए अधिकतम पेंशन 3,000 से 4,000 रुपए तक ही मिल पाती है। यदि हायर वेजेज पर अंशदान के फंड से पेंशन की कटौती होगी तो हायर पेंशन इससे 10 गुनी तक ज्यादा यानी 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक होती है। 23 मार्च 2017 के आदेश अनुसार पूरे देश में 24,672 अधिकारियों कर्मचारियों को हायर पेंशन मिल रही है। ये है दो खास वजह आरसी गुप्ता के प्रकरण को आधार माना जाए। पहला, यहाँ पे ईपीएफओ मुख्यालय ने अपने सभी जोनल व रीजनल दफ्तरों को निर्देश दिए हैं कि हायर पेंशन के प्रकरण को बारीकी से जांचा जाए। दूसरा, आरसी गुप्ता के प्रकरण को मुख्य आधार माना जाए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला। इसका असर ये होगा, 99% अंशदाताओं ने अपनी सेवाकाल के दौरान धारा 11(3) का विकल्प नहीं दिया है। अब ये दे भी नहीं सकते क्योंकि यह प्रावधान खत्म कर दिया है। जो विकल्प दे रहे वे वापस लौटाए जा रहे हैं। गुप्ता का मामला, आरसी गुप्ता हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम में कर्मचारी थे। इन्होंने हायर पेंशन के लिए शिमला हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, पक्ष में फैसला हुआ था। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी, क्यों नहीं मिल रही। विशेषज्ञों के मुताबिक 23 मार्च 2017 को जारी आदेश में सभी को पेंशन देने का जिक्र था, लेकिन इसके बाद हुए कानूनी दाव पेज में यह मसला उलझ गया। इसमें कई अड़चनें लगाई गई। मध्य प्रदेश में अंशदाता और पेंशनर्स, 35.50 लाख अंशदाता मध्य प्रदेश में, 3.70 लाख पेंशनर्स, 3.75 लाख अंशदाता भोपाल रीजन में, 40,000 पेंशनर्स भोपाल रीजन में, 3,887 लोगों को मध्य प्रदेश में हायर पेंशन ही मिल रही, 803 को भोपाल में मिल रही नई पेंशन। एक्सपर्ट व्यू ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में भी की थी अपील। ईपीएफ एक्सपर्ट चंद्रशेखर प्रसाई कहते हैं कि ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2014 से धारा 11(3) के तहत हायर पेंशन का विकल्प देने का प्रावधान खत्म कर दिया है। केरल में 507 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2018 को 11(3) के विकल्प को अवैधानिक करार दिया था। इसके विरुद्ध ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में
अपील की थी। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस मामले को लेकर विभागीय तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। एसके सुमन, रीजनल कमिश्नर वन, ईपीएफओ। इसके अलावा इस न्यूज को जो है दैनिक भास्कर का जो न्यूज पेपर है उसमें 2 अक्टूबर 2020 को भी प्रकाशित किया था, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।